हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। ये समझ लीजिए, देखिए अगर आप टैली प्राइम यूज करते हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपकी कंपनी बनी हुई है, आप सिंपली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्रिएट पे चले जाइए और यहां पर आपको मिल जाता है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम। तो अभी स्टॉक आइटम बनाना है हमको, ठीक है। तो स्टॉक आइटम में हम क्या बनाएंगे, मार्कर बनाते हैं। तो ये लिखता हूं मैं मार्कर, ये लिख दिया मैंने मार्कर, ठीक है। एंटर प्रेस किया, इसे प्राइमरी के ग्रुप पे डाल देंगे और यहां पर कर देता हूं आइटम। अगर आपने यूनिट नहीं बनाया तो क्रिएट पे जाके यूनिट बना लीजिए। एंटर प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कराता हूं। तो एक स्टॉक आइटम हमने मार्कर क्रिएट करा लिया। अब हमको पता करना है कि एंट्री ये बना है कि नहीं बना है। तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आप अल्टर पे चले जाइए और स्टॉक आइटम को अल्टर कर लीजिए। यहां से जाकर के आप स्टॉक आइटम पे चले जाइए। अब इसमें बहुत सारे स्टॉक आइटम बने हुए हैं, हमने बनाया मार्कर, मार्कर एम से होता है। तो यहां पे देख सकते हैं ये मार्कर आपको दिखाई पड़ रहा है, माउस है और ये मार्कर है, ठीक है। यानी स्टॉक आइटम तो बन चुका है। अब इसकी एंट्री कैसे पास होगी, तो देखिए इसकी एंट्री पास होगी पहले परचेस वाउचर में। तो चलते हैं परचेस वाउचर में। तो देखिए अभी हम वाउचर मोड में है, तो वाउचर मोड को चेंज करने के लिए मोड को हमें चेंज करना है, तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है। तो आइटम इनवॉइस में आ जाइए, सबसे आसान तरीका यही होता है। तो यहां पे आइटम इनवॉइस में आ गए। अब यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग। तो यहां पे कर देता हूं 1/12/2020, ठीक है। यानी 1 दिसंबर 2020 को ये परचेजिंग हो रही है, अभी भी यहां पे आया नहीं है। तो 1/12/2020 कर देता हूं, हालांकि वैसे ही छोड़ देंगे तो भी आ जाएगा क्योंकि पहले ही डेट मैं चेंज कर चुका हूं, ठीक है। अब यहां पर किसी भी क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा सकते हैं, लेकिन आपको मन कर रहा है कि अब कैश में परचेजिंग होगी तो कैश कर दीजिए। यहां पे कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी भी कैश का लेजर नहीं बनता है, ये बात याद रखिएगा। यहां पर आ गए, एंटर प्रेस किया और इसे एक्सेप्ट कराए। यहां पर आएंगे, अगर आप रेगुलर जीएसटी फाइल करते हैं, रेगुलर डीलर हैं, तो यहां पे रेगुलर करके और अपना जीएसटी आई एन नंबर जो आपका है वो जीएसटी आई एन नंबर यहां पर आप दे सकते हैं, लाइक जैसे मैंने दिया है, ठीक है। यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर लगा दीजिए और अब वो स्टॉक आइटम की बात करते हैं जो हमने बनाया था, लाइक मार्कर है। तो ये मार्कर यहां पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहां पर आप इसे परचेस कर ले, परचेस करना अति आवश्यक है। तो मान लीजिए 120 मार्कर आप परचेस कर रहे हैं और एक की कीमत आपको खरीद रेट 12 रुपए पड़ रही है, तो यहां 120 मार्कर का दाम आ जाएगा। कंट्रोल ए प्रेस करके आप चाहे तो इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं, देखना हो तो दो बार डी प्रेस करके यहां आ जाइए। और अब यहां पर आप देख सकते हैं हमने कैश में परचेजिंग किया है, तो यहां पर आपको दिखाई पड़ जाएगा ये। और अल्ट के साथ पी प्रेस करके और एंटर प्रेस करके और फिर एंटर प्रेस करके यहां से प्रीव्यू देख सकते हैं आप। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये प्रीव्यू आ जाएगा, ये पूरी डिटेल इस पे शो हो जाएगी। 1440 रुपए यहां पे कुल मिला के लगा हुआ है। यहां पे 21% जीएसटी जरूर रखा गया है, लेकिन इस पे जीएसटी हमने अप्लाई नहीं किया है, दैट्स व्हाई ये अप्लाई नहीं हुआ है। अगर आप जीएसटी लगाना चाहे तो यहां से बाहर आ जाइए और यहां नीचे मैंने अप्लाई कर रखा है जीएसटी, जीएसटी को इनेबल कर रखा है। तो यहां नीचे आएंगे तो यहां पे जीएसटी भी लगा सकते हैं, सेम स्टेट का मामला होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी पे मैंने लगा दिया है, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए ताकि एक्सेप्ट हो जाए। अब इसका प्रिंट आउट आप देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से प्रिंट आउट आएगा। आई बटन प्रेस करके मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पे देखिए इसे जूम कर दिया मैंने। अब यहां पे देख सकते हैं 10.5% के हिसाब से 150 रुपए और 150 यानी 300 रुपए टैक्स आपका लग रहा है, यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी। अब जब भी आपको स्टॉक आइटम बनाना है तो वहीं से आप बना सकते हैं, आप डायरेक्टली भी स्टॉक आइटम बना सकते हैं। डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, लाइक आपको लगता है कि मार्कर के बाद एक हमें यहां पे पेंसिल कलर चाहिए, तो यहां पर एक स्टॉक आइटम एग्जाम्पल के लिए पेंसिल कलर बना देता हूं, पेंसिल कलर COLOUR। तो ये लिख दिया पेंसिल कलर, एंटर प्रेस किया। यहां पर आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर आने के बाद पेंसिल कलर में क्या करेंगे, पैक्स कर सकते हैं हम, ठीक है। चाहे बना सकते हैं यूनिट, तो यहां पर मैं यूनिट बना लेता हूं, तो यहां पे कर देता हूं पैकेट, ठीक है। तो ये लिखता हूं मैं PKT यानी पैकेट, ठीक है। और यहां फॉर्मल नेम दे देता हूं पैकेट, ठीक है। ये दे दिया, एंटर प्रेस किया और यहां पर पैकेट और पैक्स कुछ भी दे सकते हैं, तो ये पैक्स दे दिया हमने और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया। इसको कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये देखिए पेंसिल कलर यहां पे आ गया है। डायरेक्टली इस तरह से स्टॉक आइटम बना सकते हैं और इनडायरेक्टली अगर चाहे तो आप गेटवे ऑफ टैली पर जाकर के बना सकते हैं। आप मान लीजिए कि 12 पेंसिल कलर के डब्बे आपने खरीदे, एक की कीमत आपको पड़ी 12 रुपए, तो इसके हिसाब से टोटल यहां पे आ गया
आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई और स्टॉक आइटम बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कराइए इसे, आप देख सकते हैं यहां पर अब इसका प्रिंट। तो दो बार डी प्रेस कीजिए, प्रिंट भी देख लीजिए। यहां पर कैश कर देता हूं, यहां पर अल्ट के साथ पी प्रेस करता हूं, यहां पर एंटर प्रेस करता हूं, एक बार और एंटर, फिर आई बटन प्रेस कर दीजिए, आपके सामने प्रिंट भी आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये प्रिंट, ठीक है। इस पे भी साढ़े दस के हिसाब से टैक्स लगा हुआ है, आप चाहे तो अलग से भी टैक्स दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अलग से टैक्स देना है, एक और स्टॉक आइटम मैं क्रिएट करके आपको दिखा देता हूं, और भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लाइक यहां पे मैं सिंपली स्केच कलर करता हूं, एस के ई टी सी एच स्केच कलर, ये मैंने लिख दिया और यहां पे एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहां पे एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर पीस पैकेट कर देंगे इसको, ठीक है। और यहां पर अलग से इस पर टैक्स लगा रहा हूं, तो वाई प्रेस कर दिया, अब इस पर टैक्स क्या लगाएंगे, ऑन वैल्यू रखेंगे, और यहां पर तीनों में से आपको टैक्सेबल चूज करना है, और यहां पे टैक्स मैं रखने वाला हूं केवल 10%, तो ये 10% कर दिया, तो 5% के हिसाब से ये डिवाइड हो गया और यहां पे ये टैक्स लगा दिया हमने। तो मान लीजिए कि 10 स्केच कलर के पैकेट आपने लिए हैं और एक स्केच कलर आपको 20 का पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से 200 रुपए का स्केच कलर हो गया, और आप कंट्रोल ए प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कराया। लेकिन जब आप प्रिंट देखेंगे, अच्छा प्रिंट नहीं देखना है आपको, आपको यहीं पे पता करना है कि इसमें किस पे कितना टैक्स लगा हुआ है। तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आपको मोर डिटेल पे जाना है, मोर डिटेल के लिए आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं ये कंट्रोल आई आप प्रेस कीजिए, तो यहां पे आप मोर डिटेल पे आ जाएंगे, जैसा कि मैं आ चुका हूं। अब यहां पर नीचे आ जाइए, आप नीचे जैसे ही आएंगे तो जीएसटी टैक्स एनालिसिस दिखेगा आपको, एंटर प्रेस कर दीजिए, यहां पर देख सकते हैं ये डिटेल आ रही है। अल्ट के साथ F1 प्रेस करना है, और जैसे ही अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपको ये डिटेल भी शो होगी कि किस आइटम पर कितना कितना परसेंट टैक्स लगा हुआ है। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि इसे कैसे